अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज इमा व्लॉग्स। होप आप सब खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ आपकी दुआओं से जी। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाने वाले हैं जो लोग पाकिस्तान से यूरोप आने के लिए ज़मीनी रास्ता अख्तियार करते हैं, जिसे डोंकी बोलते हैं, और दरिया कैसे क्रॉस करते हैं, जंगलों में कैसे लाइफ गुजारते हैं, वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई का चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपने कुछ पूछना हो इमिग्रेशन से रिलेटेड, या पुर्तगाल में फाइल लॉक या सेटलमेंट से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये काफ़ी डेंजरस चीज़ होती है, कई सालों से लोग ये चीज़ें जो ना कर रहे हैं, ये रास्ते अपना रहे हैं। पाकिस्तान में वैसे भी 70-80% बल्कि 90% लोग एलिजिबल नहीं होते जो यूरोप का वीज़ा ले सकें, और वो फिर क्या करते हैं, जो जो ख्वाहिशमंद होते हैं यूरोप आने के, जो यूरोप आके अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं और अपनी फैमिली को बेहतर क्वालिटी लाइफ देना चाहते हैं, तो वो फिर ज़मीनी रास्ता अख्तियार करते हैं जो पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से फिर ग्रीस, जिसे यूनान बोलते हैं, उसके बाद फिर इटली लोग पहुँचते हैं, इटली से फिर दूसरी कंट्रीज़ में फैल जाते हैं, ठीक है, और जाके वहाँ पे जाइलम कर लें, जैसे इटली में जाइलम कर लेते हैं, फ्रांस में चले जाते हैं, फ्रांस में बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं, जर्मन चले जाते हैं, फिर जर्मन में ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, फिर जो दूसरे यूरोप में ट्रैवल होता है वो टैक्सी के ऊपर करते हैं। आपको पता है, सारी दुनिया को पता है कैसे ट्रैवलिंग ये इलीगल लोग करते हैं। तो जी, वो कुछ भाई वहाँ से आए थे पाकिस्तान से, ये ज़मीनी रास्ते से डोंकी लगा के, और उन्होंने मुझे कुछ वीडियोज़ दी, उन्होंने कहा जी आप ये भी एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करें, ये कैसा एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत ख़तरनाक होता है, आप अपनी जान दाव पे लगा के जो ना ये गेम खेलते हैं। मेरा ख्याल है ऐसा करना नहीं चाहिए, इलीगल वे है। खुदा ना खास्ता आपको रास्ते में कुछ हो जाए तो आपको कोई बचाने वाला वहाँ पे नहीं है, तो आपको मैंने बहुत सी स्टोरी सुनी है यहाँ पे जो इलीगल लोग आए हैं, कि लोग मर भी जाते हैं रास्ते में, जो बीमार हो जाए उसे पीछे छोड़ देते हैं, जो पीछे रह जाए उसे ढूंढते भी नहीं उसको छोड़ के, क्योंकि हर बंदे को अपनी अपनी लाइफ का पड़ा होता है कि हम अपनी लाइफ को सेव करके यूरोप में एंटर हो जाएँ। तो जी, देखें पहले वीडियो, आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, टैंकी 2021 ये मुसाफिर मेरे इनको साफ के लिए है, तो जानी में उन्हें मुसाफिर है। शादी अच्छा लगता है इधर ना, शादी मसला नहीं, राम नाम इसका लोग पर Thank you.
आठ कोड इसमें आठ कोड ओ इधर हुआ है सही पहलवान है और मैं उठा जाना मारी सो जी ये थी आज की वीडियो। ये कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं थी, लेकिन ये लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि ये रास्ता ना अख्तियार किया करें, इसमें जान का बहुत ख़तरा है। आप देख चुके हैं किस तरह लोग सर्वाइव कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता कोई आपको सांप काट ले, कोई जंगली जानवर आप पे अटैक कर दे, आप रिवर क्रॉस करें, नदी नाले क्रॉस करते हैं, वहाँ में आप डूब जाएँ, गिर जाएँ, कोई आफात आ जाए, कोई कुछ भी आ सकता है ना, जंगल के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो आपकी लाइफ बचाने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं है, और लोग भी हेल्प नहीं करते, ना आपके पास फूड है खाने को, ना आपके पास मेडिसिन है, ना कोई चीज़ है। तो ये आप अपनी जान को दाव पे लगाते हैं, ये एक जुआ होता है आपकी ने अपनी लाइफ के साथ। निकल गए, मर गए तो मर गए। मैं आपको ये रास्ता बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये रास्ता चूज़ करें, पहले कोशिश करें कि लीगल वे में है तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जी पुर्तगाल के अंदर फाइल लॉक के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या हेल्प चाहिए तो आप ऐसा इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो इलीगल लोग हैं वो बेचारे लूट जाते हैं, एजेंट उनको लूट लेते हैं, बिल्कुल डरे हुए होते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, तो एजेंट उनसे दिहाड़ियाँ लगा लेते हैं अच्छी खासी। तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाकी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ मैसेज करें, फॉलो करें, और मैसेज हेलो हाई नहीं प्लीज़ करना आपने, मैं काइंडली वो इग्नोर कर देता, पढ़ता मैं सारे इग्नोर करता हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता सारे मैसेजेस के आंसर करूं इस तरह के। तो जो मेन पॉइंट है वही लिख के मुझे सेंड करें या वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजें। सेकंड चैनल का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक होते हैं ना वो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है पुर्तगाल से रिलेटेड, फाइल लॉक से रिलेटेड, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो सारे लिंक्स हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर होते हैं। काइंडली वो एक दफ़ा वॉच कर लिया करें, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जो नहीं क्लियर होते फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। बाकी जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।